हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज की हमारी वीडियो होने वाली R15 के ऊपर। आज हम यामाहा R15 के सभी वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। इन शॉर्ट हम आज यामाहा R15 के ऊपर की हिस्ट्री जानने वाले हैं। सो वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 500+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइस। जल्दी से जल्दी हमें 1K सब्सक्राइबर करना है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो बेसिकली देखा जाए तो यामाहा R15 वर्जन 1 ये इंडिया में 2008 को लॉन्च हुआ था। इस बाइक के लॉन्च होने से पहले इंडियन मार्केट में पल्सर, करिश्मा इन बाइकों ने अपना नाम बहुत ही तगड़ा कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि R15 की डिजाइन और R15 की कॉन्सेप्ट कैसी तैयार हुई। सो बेसिकली देखा जाए तो थाईलैंड में एक शो हुआ था, थाईलैंड स्कूटर शो करके। उसमें बहुत सारे डिजाइनर ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें से ही एक डिजाइनर ने एक यामाहा ग्लैडिएटर 125 का इंजन और फ्रेम उठा के एक बाइक बनाई थी, जो कि यामाहा वालों को बहुत पसंद आई थी। और वहीं से अपनी R15 की जर्नी शुरू हो गई गाइस। फिर उस बाइक के ऊपर कुछ अपडेट्स देते हुए यामाहा वालों ने R15 बना दी गाइस। उस डिजाइनर ने उस बाइक के अंदर ग्लैडिएटर का इंजन यूज किया था, तो यामाहा ने एक नया 149cc का इंजन बनाकर यामाहा R15 की इंजन की शुरुआत कर दी गाइस। इस बाइक के पावर फिगर भी बहुत अच्छे थे। उस टाइम पर भी एक बाइक ऑलमोस्ट 18 BHP की पावर जनरेट करती थी 8,500 RPM पे, और 15 Nm का टॉर्क जनरेट करती थी 7,500 RPM पे। 150cc कैटेगरी में फुल्ली फेड बाइक ये सिर्फ R15 थी 2008 में। और उसी के साथ इसमें बहुत सारे फीचर भी आते थे, जैसे कि ड्यूल डिस्क, सिंगल मोनोशॉक, एनालॉग प्लस डिजिटल स्पीडोमीटर कंसोल, और उसी के साथ लिक्विड कूलिंग भी आती थी। फर्स्ट इन सेगमेंट क्लिप ऑन हैंडल बार भी यामाहा R15 ने ही निकाले थे। मेजोरिटी ऑफ इंडियन पीपल यामाहा को बहुत पसंद करने लगे थे, क्योंकि ये बाइक टोटली एक बिग बाइक फील देती थी। यामाहा R15 की डिजाइनिंग अपनी बिगर सिबलिंग यामाहा R1 और R6 से ली गई थी। इस बाइक में आपको कमिटेड राइडिंग पोजीशन, लोअर सेट क्लिपॉन्स, स्टिफर सस्पेंशन और वाइडर टायर मिलते थे। हालांकि वर्जन 1 के टायर इतने भी वाइड नहीं थे, फिर भी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते थे। हालांकि इस बाइक में आपको उस वक्त सिंगल सीट मिलती थी, बट वो टाइम पे भी ये सीट बहुत कंफर्टेबल और स्पेशी थी, सो उसके वजह से लीनिंग करने में बहुत आसानी होती थी। जब यामाहा ने YZF R15 इंडिया में लॉन्च की थी, तब इस बाइक की एक शोरूम प्राइस 97,000 थी गाइस ओनली। बट 2008 के हिसाब से 150cc कैटेगरी की ये सबसे एक्सपेंसिव बाइक थी इतने सारे फीचर्स के साथ। फिर भी इंडियन मार्केट में इस बाइक की सेल्स बहुत अच्छी रही, और इसी के वजह से यामाहा R15 आज इंडिया में इतनी फेमस है गाइस। चलो ये तो बात हुई R15 वर्जन 1 की। अब आते हम अपने अगली बाइक के ऊपर, मतलब यामाहा R15 वर्जन 2 के ऊपर। यामाहा YZF R15 वर्जन 2 ये 2011 में लॉन्च हुआ था गाइस। इस बाइक में ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं किए गए थे। R15 वर्जन 1 का ही इंजन इसमें यूज किया गया था, सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए थे, वो मैं आगे बताता हूँ। YZF यामाहा R15 वर्जन 1 के सक्सेस के बाद यामाहा R15 V2 में यामाहा ने वर्जन 1 में जो कमी थी उन्होंने वो भर के निकाली थी, मतलब इस बाइक का टेल पोर्शन। YZF यामाहा R15 वर्जन 1 में हमें सिंपल एक सिंगल सीट मिलती थी, जो इतनी कुछ स्पोर्टी नहीं लगती थी। और तो और इस बाइक का रियर टायर भी बहुत पतला था, जो कि उस बाइक की लुक जरा खराब कर रहा था। यामाहा R15 वर्जन 1 सामने से तो बहुत शार्प दिखते थे, पर पीछे आते आते उसकी शार्पनेस चली जाती थी। सो यामाहा ने इसी बातों को सुनकर अपने वर्जन 2 में कुछ फेर बदल कर दिए। सिंगल सीट का सेटअप हटाकर अभी यामाहा R15 V2 में हमें स्प्लिट सीट मिलते थे, और यामाहा R15 का रेयर स्किनी टायर हटाकर 130/70 सेक्शन का फैट टायर लगा दिया। रेयर टेल लैम्प में भी कुछ चेंजेस किए गए, रेयर टेल लैम्प भी बहुत शार्प कर दी गई, और अब हमें रेयर टेल लैम्प में LED टेल लैम्प मिलते थे। और एक मेजर चेंज इसमें किया था यामाहा वालों ने, जो ज्यादा लोगों को समझ में आया नहीं होगा उस वक्त, यामाहा वालों ने बैक साइड में एल्यूमिनियम स्लिंग आर्म लगा दिया। और तो और एग्जॉस्ट का डिजाइन भी चेंज कर दिया, थोड़ा सा ऊपर की साइड में एग्जॉस्ट लगा दिया था इन्होंने। V2 में हमारे और एक बहुत अच्छी चीज मिलती थी, वो थी टेल टाइडी। जी हाँ गाइस, यामाहा वाले ने ऑलरेडी फिटेड टेल टाइडी दी थी, हमें कस्टमाइज करने की कोई जरूरत नहीं थी। और बारिश के वक्त मट्टी और पानी से बचने के लिए बहुत बड़ा रियर टायर हगर दिया गया। बाकी जो कुछ इंजन रिलेटेड स्पेक्स थे वो सभी R15 V1 की तरह ही थे। यामाहा R15 V1 और V2 में हमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था, और दोनों बाइकों की माइलेज ऑलमोस्ट 40-45 km/L होती थी गाइस। YZF यामाहा R15 वर्जन 2 की एक शोरूम प्राइस 119,000 थी, जो कि यामाहा R15 वर्जन 1 से ऑलमोस्ट 15,000-20,000 रुपये ज़्यादा थी। बट इतने सारे अपडेट के साथ ये प्राइस जस्टिफिकेबल थी। अब ये तो बात हो गई यामाहा R15 वर्जन 2 की। और एक बात बताता हूँ गाइस, मैं इस वीडियो में R15S की कोई भी डिटेल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि R15S के ऊपर मैंने बहुत सारे डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं। सो उस वीडियोस के मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो हमारी नेक्स्ट बाइक है R15 V3 गाइस, सबकी फेवरेट।
वैसे ही हम R15 V2 भी इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। कम से कम इसने 5 साल इंडियन मार्केट में अपनी जगह कायम रखी थी, पर इस पर कुछ अपडेट नहीं आ रहे थे। सो यामा ने अपना नया अपडेट 2017 में लाया, यामा R15 वर्जन 3। यामा YZF R15 वर्जन 2 के बाद यामा R15 वर्जन 3 ये टोटली न्यू प्रोडक्ट है यामा का। इस बाइक की बॉडी डिजाइनिंग भी बहुत अलग थी वर्जन 1 वर्जन 2 से, और इस बाइक में इंजन भी नया यूज किया गया था। 155 सीसी का इंजन यूज किया था जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता था 19 BHP की। जब यामा ने R15 वर्जन 3 लॉन्च की थी तब ये वर्जन 3 BS4 सेगमेंट में आती थी। BS4 सेगमेंट की सबसे पावरफुल 155 सीसी बाइक है यामा R15 V3। इस बाइक की 5% डिस्प्लेसमेंट बढ़ाकर इस बाइक में VVA की टेक्नोलॉजी दी गई थी। इसके वजह से 7500 RPM पे और दो वाल्व खुलते थे, और इसके अंदर इंजन के अंदर पेट्रोल और एयर ज़्यादा जाने की वजह से टॉप स्पीड अचीव करने में आसानी होती थी। यामा R15 V3 में हमें फुल LED टेल लाइट और हेडलाइट मिलती थी, और उसी के साथ फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। और इस बाइक में VVA की टेक्नोलॉजी और उसी के साथ स्लीपर क्लच भी दिया गया था। BS4 से BS6 के नॉर्म्स के साथ हमें ड्यूअल चैनल ABS भी मिलने लगा फिर यामा R15 V3 में। इस बाइक की राइडिंग डायनेमिक्स बहुत ही कमिटेड है। इस बाइक को आप वर्जन 1 और वर्जन 2 से कंपेयर करोगे तो ये सबसे ज़्यादा एग्रेसिव बाइक है गाइस। YZF यामा R15 वर्जन 3 की एक्स शोरूम प्राइस 1,32,000 थी गाइस, और यामा YZF R15 वर्जन 3 BS6 की एक्स शोरूम प्राइस 1,48,000 थी गाइस। BS6 के नॉर्म्स की वजह से इंडिया में बाइकों की प्राइस बहुत बढ़ गई थी, और यामा ने उसका ही फायदा उठा के यामा R15 V3 में इतने सारे फीचर्स ऐड कर दिए कि उसकी प्राइस जस्टिफिकेबल लगने लगी। आपको इस बाइक में ड्यूअल चैनल ABS, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, VVA मिलता था, स्लीपर क्लच मिलता है, इंजन का टॉप सेंसर मिलता है, और उसी के बाद अगर आप बाइक ऑन करते हो तो वहाँ पर हाई बड़ी करके लिखा आता था इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वो आप कस्टमाइज करके आपके नाम पे लिखते लिख सकते हो। और हाँ गाइस, इस बाइक पे 140 सेक्शन का रियर टायर भी यूज़ किया गया था, वो जो कि V2 से ज़रा चौड़ा ही था 10%। सो अब बात करते हैं हमारे फ्रेश मॉडल R15 V4 की। यामा की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ होगा कि यामा का कोई प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च हुआ हो, क्योंकि इससे पहले जो भी R15 के जो भी वर्जन थे, वर्जन 1, 2 या फिर वर्जन 3 भी, ये सब इंडोनेशिया एशियन देशों में लॉन्च हुए थे फिर इंडिया में लॉन्च हुए थे। यामा को पता चल गया था कि R15 का क्रेज इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और इसी के कारण वर्ष यामा ने इंडिया में R15 V4 लॉन्च कर दी थी। YZF यामा R15 V4 ये सितंबर 2021 में इंडिया में लॉन्च हुई है। इस बाइक के बारे में अगर बात की जाए तो ये बाइक का डिजाइनिंग R7 से लिया गया है, और इस बारे में मैंने टोटली एक वीडियो बनाया है 1 साल पहले, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी इस बाइक के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। मोस्ट ऑफली यामा R15 V3 की फैन एक ही बात की डिमांड कर रहे थे यामा को कि हमारे बाइकों में अपसाइड डाउन फोक्स क्यों नहीं मिलते। सो यामा वालों ने इस बार R15 V4 में अपसाइड डाउन फोक दे दिए गाइस। यामा R15 V4 में KYB के अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, जिनका कलर गोल्डन होने की वजह से उसका लुक और ही अच्छा दिखने लगता है। हालांकि इस बाइक के सस्पेंशन नॉन एडजस्टेबल है, सो वो थोड़ी कमी हमें लगती है, बट इस पर डिजाइनिंग के मामले में यामा R15 ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि इस बाइक को आप अगर पहली बार देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 155 सीसी बाइक है या 300 सीसी सेगमेंट की बाइक है। अगर इस बाइक के फीचर के बारे में बात किया जाए तो आपको अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं, फुल LED हेडलाइट मिलती है, उसके साथ प्रोजेक्टर हेडलाइट भी मिलता है, फुल LED टेल लैम्प मिलती है, और उसी के साथ एल्यूमिनियम स्लिंग आप मिलता है। R15 M मॉडल में आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, और उसी के साथ स्लीपर क्लच भी मिलता है, VVA टेक्नोलॉजी मिलती है, अभी तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आ रहा है R15 V4 के अंदर। अभी हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि R15 V4 और R15 M की प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो इतने सारे फीचर्स के साथ आपको क्या लगता है R15 V4 और R15 M की प्राइस कितनी होगी? चलिए जाने दीजिए गाइस, ये डाउट भी मैं ही क्लियर कर लेता हूँ गाइस। यामा YZF R15 V4 की बेस मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस है 1,80,000। जी हाँ, आपने सही सुना, 1,80,000, वो भी बेस मॉडल की। और अगर आप टॉप मॉडल के ओवर जाते हैं, मतलब 60th एनिवर्सरी या फिर MotoGP एडिशन की तरफ जाते हैं, तो 1,93,000 उसकी एक्स शोरूम प्राइस है गाइस। मैंने यामा R15 V4 और R15 M इतनी महंगी क्यों है, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना है, सो उस वीडियो की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, डिटेल वीडियो है, आपको सब समझ में आ जाएगा गाइस। सो यही कुछ हमारी यामा R15 की स्टोरी थी गाइस। यामा R15 को इंडिया में आकर अब 14 साल हो गए गाइस। इस 14 सालों में इन्होंने 4
यामाहा R15 के मॉडल्स अपने इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं और ये चारों के चारों मॉडल्स अपने अपने ईयर में पॉपुलर रह चुके हैं। यामाहा की यही खासियत रही है कि यामाहा अपनी बाइकों में हर बार कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता है और इसी की वजह से ये बाइक इंडिया में इतनी ज़्यादा फेमस है। सो आई होप यामाहा इसी तरीके से अपने मॉडल्स को अपडेट करते रहेगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मामोटो मैंस। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइज़।